वेलकम। आज हम प्रैक्टिस सेट 33 का वीडियो देखेंगे। चैप्टर नंबर 13, प्रॉफिट और लॉस, मैथ्स सब्जेक्ट, सिक्स स्टैंडर्ड। प्रैक्टिस सेट 33 का फर्स्ट क्वेश्चन। मगनलाल बॉट ट्राउजर्स फॉर 400 एंड शर्ट्स फॉर 200 एंड सोल्ड देम फॉर 448 एंड 250। मगनलाल ने ट्राउजर खरीदा है, ट्राउजर्स और शर्ट्स। तो यहाँ पे चीजें, एक ट्राउजर एक शर्ट है। ट्राउजर्स कितने में खरीदा है? 400। और वही ट्राउजर को बेचा है 448 में। वैसे ही मगनलाल ने शर्ट भी खरीदा है, परचेस किया है 200 रुपीज में, और उसको सोल्ड किया है 250 में। तो विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आर मोर प्रॉफिटेबल? तो मदनलाल को ज़्यादा फायदा किस में हुआ है, ट्राउजर में हुआ या शर्ट के बिजनेस में हुआ, ये हमें बताना है। मतलब ये हमें आंसर कैलकुलेट करना है इसका, कि कौन सा बिजनेस, ट्राउजर का बिजनेस या शर्ट का बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले हम ट्राउजर की इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, फिर हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे। वैसे ही हम सेकंड सेकंड स्टेप में हम शर्ट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखेंगे, और उसका भी हम प्रॉफिट निकालेंगे। फिर दोनों का प्रॉफिट आने के बाद हम उसका जो है परसेंटेज फॉर्म में लेकर चेक करेंगे। तो लेट अस बिगिन। कैसे करना है? तो पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, क्योंकि हम पहले ट्राउजर का प्रॉफिट निकालेंगे। तो लेट अस बिगिन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर लिख लिया है 400 रुपीज, और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर 448। फर्स्ट क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने लिख लिया है ट्राउजर का। अब हम ट्राउजर पे जो प्रॉफिट आया है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये हमें फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है, और लॉस होगा तो लॉस का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे सेलिंग प्राइस का अमाउंट है 448 माइनस 400। 400 क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 400 है, दोनों को माइनस कर लेना है, तो यू विल गेट द, मतलब 448 में से 400 माइनस हो जाएगा, तो 48 रुपीज प्रॉफिट दिखाएगा। तो प्रॉफिट ऑन ट्राउजर हमें मिला है 48 रुपीज। तो ये हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, मतलब प्रॉफिट ऑन ट्राउजर निकाल लिया। अब हमें प्रॉफिट ऑन शर्ट निकालना है। तो पहले शर्ट का इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितना दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट 200 है। वैसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट 250 दिया हुआ है, तो वो लिख लेना है कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट 200 और सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट 250 रुपीज। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखा है। अगर स्कूल्स में बोला है फुल फॉर्म लिखो तो फुल फॉर्म लिखना है, और शॉर्ट फॉर्म बोला है तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट ऑन शर्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस है 250, तो यहाँ पे 250 माइनस कॉस्ट प्राइस है 200, तो 250 माइनस 200 यू विल गेट 50 रुपीज। तो ये आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन शर्ट। तो अभी हमारे पास दो प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट ऑन ट्राउजर, ट्राउजर, और एक है प्रॉफिट ऑन शर्ट। अब हमें देखना है कि दोनों बिजनेस को कंपेयर करना है, कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब किस में हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, मतलब कौन सा बिजनेस फायदेमंद है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें देखने से डायरेक्टली हम देख सकते हैं प्रॉफिट यहाँ पे 50 रुपया है, बट यहाँ पे 48 रुपीज प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे हमें नंबर वाइज तो पता चल रहा है, बट ऐसे नहीं देखना है। प्रॉफिट कौन सा बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो उसमें
कॉस्ट और सेलिंग में डिफरेंस देखना होता है। कॉस्ट और सेलिंग में मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मेंटेन करना रहता है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा। वो फॉर्मूले के बेस पे हम दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का जो परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों में कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हमें प्रॉफिट जो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है लेट। अभी जैसे यहाँ पे ट्राउजर्स दिया था और सेकंड सेकंड केस में हमें शर्ट दिया हुआ था, तो हम थोड़ा सा अजम्पशन लेंगे लेट मगनलाल, मगनलाल जो पर्सन है उसका नाम, लेट मगनलाल मेक्स प्रॉफिट। अभी यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो लेट मगनलाल मेक्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन ट्राउजर, ट्राउजर बी इज इक्वल टू। अभी हम इसको जैसे ए बी सी एनी टाइप से हम ले सकते हैं, तो ट्राउजर बी। अभी हम इधर पे टी परसेंट या ए परसेंट ले रहे हैं, ए परसेंट, तो ऐसे ए बी सी एनीथिंग हम यूज कर सकते हैं, या एक्स परसेंट ले सकते हैं, वाई परसेंट ले सकते हैं। तो मैंने ए परसेंट लिया है, वैसे ही सेकेंड पार्ट, तो मगनलाल मेक्स अ प्रॉफिट ऑन ट्राउजर बी ए परसेंट एंड प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन दूसरा जो है, जो दूसरा जो हमारा कमोडिटी है वो है शर्ट। तो प्रॉफिट ऑन शर्ट इज इक्वल टू बी परसेंट। तो ऐसे क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास रुपीज में है, हमें उसे परसेंटेज में लेना है। अब इसका हम रेशियो फॉर्म करके इसको हम फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राउजर का प्रॉफिट निकाला, फिर शर्ट का प्रॉफिट निकाला, फिर अजम्पशन लिया। अजम्पशन क्या लिया है, लेट मगनलाल मेक्स अ प्रॉफिट ऑन ट्राउजर बी ए परसेंट एंड प्रॉफिट ऑन शर्ट बी बी परसेंट। तो इसको ए लिया शर्ट के लिए, और ट्राउजर के लिए ए लिया है और शर्ट के लिए बी लिया है। तो यहाँ पे दो 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 इंफॉर्मेशन है, एक शर्ट है, दूसरा एक ट्राउजर है और दूसरा शर्ट है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर करके सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन हमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है, सो द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस, सो द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस। इसको अब हम एक्सप्रेस कैसा करेंगे, एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड, उसके आगे हमें दो कॉलम्स कर लेना है। एक साइड पे हम शर्ट का निकालेंगे और दूसरे साइड पे हम, एक साइड पे ट्राउजर का और एक साइड पे शर्ट का। तो पहले हम ट्राउजर का देख लेते हैं, ट्राउजर का क्या बोला है, ए परसेंट। तो यहाँ पे ए परसेंट मतलब ए अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू, अब क्या बोला था, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट, तो क्या करना है, शर्ट का प्रॉफिट लेना है, शर्ट पे सॉरी ट्राउजर का प्रॉफिट लेना है, क्योंकि हमने ए के लिए ट्राउजर लिया है। ए परसेंट मतलब ए अपॉन हंड्रेड। अब हमें ट्राउजर का प्रॉफिट लेना है, ट्राउजर का प्रॉफिट कितना आया था ऊपर, 48 रुपीज, तो वो लेना है 48 रुपीज अपॉन। तो देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऊपर लिखा मतलब ऐसे, प्रॉफिट इज टू कॉस्ट प्राइस ऐसे, तो प्रॉफिट ऊपर लिखा और कॉस्ट प्राइस नीचे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, शर्ट शर्ट नहीं, हम ट्राउजर का कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस है ट्राउजर का 400, 400 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। आई होप यू गॉट दिस, के कैसे मैंने ये इक्वेशन बनाया। सो द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन, एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन एज, तो
ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म किया है मैंने, तो देयरफॉर इक्वेशन बन रहा है ए अपॉन 100 इज इक्वल टू, ए कैसे आया, ट्राउजर का हम निकाल रहे हैं, तो ए अपॉन 100 इज इक्वल टू, इक्वेशन बन रहा है तो इज इक्वल टू 48/100। 48/100 कहाँ से आया, प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा तो ट्राउजर का प्रॉफिट और ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस ये देखना है। आई होप यू गॉट दिस कि कैसे ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अब दूसरा है बी परसेंट, तो बी परसेंट डेफो बी के लिए, बी मतलब शर्ट के लिए, बी अपॉन 100 इज इक्वल टू, इक्वेशन बन रहा है तो इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा ऊपर, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना है, शर्ट का प्रॉफिट 50 रुपीज, तो 50 ऊपर, और अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है शर्ट का 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। ऐसे ऐसे हमें लिख लेना है। तो ये हमने इक्वेशन बना दिया, बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो कैसे हमें करना है, बहुत ईजी, यहाँ पे हमें ए का वैल्यू ढूंढना है, तो यहाँ पे ए के पास जो 100 है वो इक्वल के ये साइड जंप करके जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 48/100, ये 100 यहाँ से यहाँ पे आ गया, अपॉन 400, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही सेम इधर बी के लिए होगा, तो बी इज इक्वल टू 50/100 अपॉन 200, ऐसे। बहुत इजी और सिंपल है, कैसे किया अच्छे से नोट करो, ए का वैल्यू ढूंढना है तो ये 100 यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे यहाँ बी का वैल्यू ढूंढना है तो ये 100 यहां पर आकर मल्टीप्लाई होगा। कैंसलेशन, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, ऐसे। फिर फोर के टेबल से ही जाता है, फोर वन जा फोर, इधर आ जाओ, फोर टू जा फोर, वन जा फोर और फोर टू जा एट, तो ये कितना आ रहा है 12। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमें ए इज इक्वल टू 12% मिला है। वैसे ही हम बी का वैल्यू देखेंगे, तो बी इज इक्वल टू कैंसलेशन, एक जीरो नीचे कट, एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर, ऐसे। अब टू के टेबल से कट करना है, टू वन जा टू, टू 25 जा 50, कितना आ रहा है 225 जा 50, तो यहाँ पे 25%। ऐसे ऐसे हमें दोनों का सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेना है, ए का कितना आ रहा है 12% और बी का कितना आ रहा है 25%। ए मतलब ट्राउजर, तो ट्राउजर पे 12% प्रॉफिटेबल है बिजनेस, 12% का प्रॉफिट आ रहा है, और बी पे 25% का प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा बिजनेस ज्यादा फायदेमंद हुआ, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमने शर्ट के लिए बी लिया था, तो बी का बिजनेस मतलब शर्ट का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसमें 25% का प्रॉफिट मार्जिन है और यहाँ पे सिर्फ 12% का प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मतलब हम शर्ट का बिजनेस प्रेफर करना चाहिए, और वैसे ही जो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम है, तो ये बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो नॉर्मली जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है वो बिजनेस किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया है। देखो दोनों पे प्रॉफिट आया है, बट किसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है वो हमें देखना है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन शर्ट के लिए ज्यादा आ रहा है, तो फाइनल आंसर जो हमें ढूंढने बोला था टेक्स्ट बुक में, जैसे विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आर मोर प्रॉफिटेबल, तो वो हमें लिखना है, तो देयरफॉर कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल हमें यहाँ पे दिखाई दिया, बी, बी मतलब शर्ट का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है कि शर्ट का बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो देयरफॉर फाइनल आंसर में हमें जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे ही लिखना है, तो दोनों में से जैसे क्वेश्चन से ही बनाना है, जैसे विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आर मोर प्रॉफिटेबल, तो क्या आएगा, ट्रांजेक्शन ऑफ शर्ट आर मोर प्रॉफिटेबल, तो वो लिखना है ट्रांजेक्शन, ऐसे लिखना है फाइनली, ट्रांजेक्शन विथ शर्ट आर मोर प्रॉफिटेबल, ऐसे फाइनल आंसर।
आई होप यू गॉट दिस के कैसे हमने सॉल्व किया, सिंपल और इजी स्टेप फॉलो किए हैं। स्टार्ट से अच्छे से देखो, सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकाला है ट्राउजर का, फिर हमने प्रॉफिट निकाला है शर्ट का। दोनों का प्रॉफिट निकालने के बाद हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। कैसे उसके लिए स्टेप लिखना है वो यहाँ से अच्छे से नोट करो, और फिर फाइनली हमें दोनों में जो परसेंटेज मिल गया है तो देखना है किसका बेटर परसेंटेज आ रहा है, तो वो बिजनेस हमारे लिए मोर प्रॉफिटेबल है। तो ट्रांजैक्शन विद शर्ट्स आर मोर प्रॉफिटेबल, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस जो हमें ज़्यादा मिलेगा वो शर्ट में मिलेगा। आई होप यू गॉट दिस, समझ में आ गया होगा। लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में रामराव बॉट अ कबर्ड फॉर रुपीज 4,500 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 4,950। तो यहाँ पे रामराव ने कबर्ड खरीदा है 4,500 में और बेचा है 4,950। नेक्स्ट ये रामराव का इन्फॉर्मेशन है। वैसे ही श्यामराव, तो दूसरा बंदा है श्यामराव, बॉट अ स्विंग मशीन, उसने एक स्विंग मशीन खरीदा, जो कपड़ा सीने का मशीन होता है स्विंग मशीन, फॉर रुपीज 3,500 एंड सोल्ड इट फॉर 3,920। हुज ट्रांजेक्शन आर मोर प्रॉफिटेबल, जैसे ऊपर हमने किया था ट्राउजर का और शर्ट का, वैसे यहाँ भी है कबर्ड का और स्विंग मशीन का। बस ऊपर सिर्फ मगनलाल था और यहाँ पे दो पार्टी है, एक राम राव है और एक श्याम राव। तो लेट अस बिगिन, सबसे पहले हम राम राव ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है कबर्ड वाले बिजनेस में वो निकालेंगे, फिर श्याम राव ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है स्विंग मशीन वाले बिजनेस में वो निकालेंगे। तो पहले हम दोनों का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो लेट अस बिगिन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेना है। सो प्रैक्टिस सेट 33 का सेकंड सम, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड और सेलिंग प्राइस ऑफ कबर्ड लिख लिया है। तो क्योंकि क्लियरली है सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, और बोला भी है प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 4,950 और कॉस्ट प्राइस हमें माइनस करना है कितना दिया हुआ है 4,500। तो दोनों को सबट्रैक्ट कर लेना है 4,950 माइनस 4,500 ऐसे 0, 5, 9 माइनस 5, 4 और 4 माइनस 4, 0। तो आंसर आ रहा है 450। तो 450 रुपीस हमें प्रॉफिट मिला है कबर्ड वाले बिजनेस पे। तो यहाँ पे हमें पहले फर्स्ट वाले पर्सन का प्रॉफिट मिल गया है राम राव का। अब हम श्याम राव का बिजनेस देखते हैं, उसने मशीन खरीदा था 3,500 मतलब 3,500 और बेचा है 3,920। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 3,920 माइनस कॉस्ट प्राइस 3,500। दोनों को सबट्रैक्ट कर लेना है 3,920 माइनस 3,500 ऐसे 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2, 9 माइनस 4, 5, 9 माइनस 5, 4 होता है, 3 माइनस 3, 0। तो आंसर आ रहा है 420 रुपीस। तो ये हमें प्रॉफिट मिल गया कौन से वाले बिजनेस में, स्विंग मशीन वाले बिजनेस में। तो अभी हमें दोनों का प्रॉफिट मिल गया है, हमेशा ऐसे ही करना है, लास्ट सम में भी हमने ऐसे ही किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब हमें इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें जो प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है। तो हम पहले इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो अजम्पशन लेंगे लेट। तो सबसे पहले स्टेप में हमें लेट लेकर के लिखना है, अजम्पशन करना है, लेट प्रॉफिट टू राम राव, राम राव इज इक्वल टू एक्स परसेंट, हम एक को एक्स परसेंट ले रहे हैं, एंड प्रॉफिट टू श्याम राव, श्याम राव के लिए हम ले रहे हैं वाई परसेंट।
ऐसे हम लेट करके एनी अल्फाबेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट प्रॉफिट टू राम राव बी एक्स परसेंट और प्रॉफिट टू श्याम राव बी वाई परसेंट। इसके बाद में हम जो स्टेप लिखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें रेशियो देखना होगा। तो लेट अस फाइंड द रेशियो, देयरफॉर द रेशियो, रेशियो रहता है वो मतलब जो फॉर्म होता है रेशियो, देयरफॉर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट लेना है टू कॉस्ट प्राइस, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड विथ इक्वेशन एज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालने पर ही हमें पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके लिए हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, तो दो पार्ट हमें करने होंगे। तो दो पार्ट में हमें एक साइड पे हम राम राव का सॉल्व करेंगे और दूसरे साइड पे हम श्याम राव का। तो कैसे होगा, बहुत ईजी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम में सिखाया था, यहाँ पे एक्स परसेंट है, तो एक्स अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस। तो स्टार्ट वाला जो बिजनेस था राम राव का, उसका प्रॉफिट लेना है 450 और उसका कॉस्ट प्राइस लिखना है 4500। तो कॉस्ट प्रॉफिट लिख लिया 450 और कॉस्ट प्राइस था 4500, तो वो लिख लिया ऐसे। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यहाँ पे याद रखना है। तो मैं यहाँ पे रेशियो बनाकर लिख रहा हूँ, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस ऐसे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और एक्स परसेंट बोला था मतलब एक्स अपॉन हंड्रेड। वैसे ही सेकेंड कंडीशन में वाई परसेंट बोला है मतलब वाई अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट लिखना है। श्याम राव का प्रॉफिट, श्याम राव का प्रॉफिट कितना था 420, तो यहाँ पे आ गया 420 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब उसने मशीन कितने में खरीदा था, तो 3500, 3500। तो ऐसे सेकेंड कंडीशन हो गया। तो ये हमारा राम राव का हो रहा है और ये हमारा श्याम राव का, एट अ टाइम दोनों हम बाजू बाजू में सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स के पास ये 100 डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पर जंप करके आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4500। देखो ये 100 यहाँ पर आ गया, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा इक्वल के इस साइड आने पर मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही वाई का करना है, 420 ये जो 100 है वाई के पास डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 3500। और जो नीचे था ऑलरेडी वैसे ही, ये मैंने कैसे किया, बहुत ईजी और सिंपल है। अच्छा, मोस्टली बच्चों को डाउट आता है कि एक्स के नीचे 100 आया कहाँ से, क्योंकि ये एक्स परसेंट था, परसेंट मतलब 100 होता है, तो एक्स अपॉन 100। नेक्स्ट अब हमें एक्स का वैल्यू ढूंढना है, तो 0 0 कट, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 45 के टेबल से ये 45 जाएगा, 45 1 45, 45 10 450, 45 10 450। अब यहाँ पे कैंसलेशन, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, ऐसे। अब ये दोनों 5 के टेबल से जाएगा, तो 5 के टेबल से कट करना है, 5 7 35 ऊपर आ जाओ, वैसे इधर 5 8 40, 2 बच रहा है, 2 बाजू में गया, वैसे 5 4 20 ऐसे। अब ये दोनों नंबर 7 के टेबल में जाते हैं, तो 7 के टेबल से 7 1 7, यहाँ पे आ जाओ, 7 1 7, 1 बच रहा है, तो 1 बाजू में कैरी, तो ये 14 हो गया, 7 2 14 ऐसे। अब नीचे 1 बच गया, यहाँ भी नीचे 1 बच गया है, आंसर हमें मिल गया x का है 10, तो x इज इक्वल टू 10%। और दूसरा है y का है 12, तो 12%। तो अब हमें यहाँ पे दोनों का, x का और y का परसेंटेज मिल गया है, x मतलब राम राव का मिला है और y मतलब श्याम राव का मिला है। तो यहाँ पे जब दोनों को हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि श्याम राव का बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उस पर 12% हमें प्रॉफिट मतलब मार्जिन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था हुज ट्रांजैक्शन आर मोर प्रॉफिटेबल, तो देयरफॉर ट्रांजैक्शन ऑफ श्याम राव
श्यामराव इज मोर प्रॉफिटेबल, इज मोर प्रॉफिटेबल, ऐसे। बहुत इजी और सिंपल है कैसे मैंने सॉल्व किया। आई होप यू गॉट दिस। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिवर्स जा करके फिर से देखो, साइड बाय साइड स्टेप्स भी लिखते जाओ, यू विल गेट इट। तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड और समझ में आ रहा है। लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब तक जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, यू विल गेट द अपडेट्स। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हनीफ बॉट वन बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर रुपीज 400। हनीफ ने बॉक्स परचेज किया 50 एप्पल और 400 रुपीज का वो फुल बॉक्स है। ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट द रेट ऑफ 10। उसने 10 रुपए से एक एप्पल बेचा है, तो वॉज देयर अ प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले हमें ये पूछा है कि उस पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ। फिर पूछा है वॉट वॉज इट्स परसेंटेज, जो अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या परसेंट है, मतलब उसका कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है। लेट अस बिगिन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, फिर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो ये पहला इन्फॉर्मेशन था। और हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ, हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस दिया है वो एट द रेट ऑफ 10, मतलब 10 रुपए का एक ईच, तो मतलब एक एप्पल का प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल इज इक्वल टू 10 रुपीज, ऐसे। तो हम 50 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू, हमें इस 10 को 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक 10 रुपए का है तो 50 कितने का होगा, 50 एप्पल्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो 50 टेन्स आ 500 होता है, तो यहाँ पे आ गया 500 रुपीस। तो यहाँ पे अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 400 और सेलिंग प्राइस है 500। तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट कैसे पता चला? सेलिंग प्राइस, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस मोर है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है 400 और सेलिंग प्राइस कितना है 500, देन इट इज प्रॉफिट, देन इट इज प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में। सबसे पहला क्वेश्चन हमें यही पूछा था कि वॉज देयर अ प्रॉफिट और लॉस, तो इट इज प्रॉफिट। तो हमने सबसे पहले ये प्रॉफिट है ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो देयरफॉर पहले लेट लेना होगा, तो लेट द परसेंट प्रॉफिट बी एक्स। तो हमने परसेंट प्रॉफिट को क्या लिया है, एक्स लिया है, एक्स वाई ए बी कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। तो लेट द परसेंट प्रॉफिट बी एक्स। तो देयरफॉर अब कभी भी हमें परसेंट निकालना है तो हमें रेशियो लगेगा। किसका रेशियो लगेगा? प्रॉफिट का और कॉस्ट प्राइस का। तो वो द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस इज एक्सप्रेस्ड expressed in equation as, equation में हम इसको express कर रहे हैं, मतलब profit का ratio निकालना होगा, profit to cost price, मतलब जैसे मैंने लिखा है the P upon CP, ऐसे। तो क्या हो जाएगा? therefore x percent बोला है, मतलब x upon 100 ऐसे लेना है। नेक्स्ट उसके बाद में इज इक्वल टू, इक्वेशन बना रहे हम, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, ऐसे एक फॉर्मूला इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें कितना मिला है बिजनेस में,
500 हमने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट हुआ है, बट हमने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है? 500। 500 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? ऊपर दिया हुआ था 400, तो 400 कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपीज। ऐसे तो प्रॉफिट पहले निकाल लेना है, तो प्रॉफिट आ गया 100 रुपीज। 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा कितने में है? 400 में, ऊपर ही दिया हुआ था, स्टार्ट में ही हमने निकाला है, 400 में खरीदा है, तो वो आ गया 400। अब उसके बाद में एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये 100 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 400। इससे पहले जो हमने दो सम किए थे उसमें दो लोगों का इन्फॉर्मेशन था, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट है, सिर्फ एप्पल से, तो सिर्फ एक ही पार्ट हम कर रहे हैं, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर। अब और कैंसलेशन सेम टेबल से जाता है, तो दोनों 4 के टेबल से जाता है, तो 4 1 4 यहाँ पे आ गया, 4 2 8, 9 10, 2 बच रहा है बाजू में, ये 20 हो गया, और हो जाएगा 4 5 20। ऐसे तो एक्स का आंसर हमें 25% मिल गया। ऐसे तो हमें यही बोला था, व्हाट वाज द परसेंटेज, हमें ये ढूंढने बोला था कि कितना परसेंट प्रॉफिट है थर्ड सम में, तो हमने ढूंढ लिया है 25% प्रॉफिट। तो देयरफॉर देयर इज 25% प्रॉफिट। ऐसे कैसे किया, स्टार्ट से लास्ट तक देखो, एक बार वापस देख लो कैसे किया है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स 400, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल दिया हुआ था, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल करना है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस 400 और सेलिंग प्राइस 500। सेलिंग प्राइस ज्यादा है मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, देन इट इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करके प्रॉफिट ढूंढना है, तो प्रॉफिट कितना आया 100। अब उसके बाद में लेट द परसेंट प्रॉफिट बी एक्स, तो परसेंट प्रॉफिट क्या करना है एक्स। अच्छा, ये स्टेप के बाद ये जो मैंने साइड में लिखा है वो करना है, फिर ये करना है, तो लेट द परसेंट प्रॉफिट बी एक्स। एक्स लिया, एक्स लेने के बाद हमें रेशियो बनाना है प्रॉफिट अपॉन सीपी, क्योंकि पूरा ये प्रैक्टिस सेट जो है 33, ये पूरा ये रेशियो पे बेस्ड है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 33 पे ये हमें इंपॉर्टेंट देना है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस एक्सप्रेस इन इक्वेशन एज, इसको हम इक्वेशन बनाए गए ऐसे, तो ये इक्वेशन बन गया। तो क्या करना है, एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। एक्स अपॉन 100 क्यों है, क्योंकि ये एक्स परसेंट था, तो परसेंट अपॉन परसेंट मतलब 100 होता है, तो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू पी अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिखना है, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस लिखना है, फिर जैसे एक्स का वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ करके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना है, कैंसिलेशन करना है, यू विल गेट द आंसर एक्स का 25%। तो देयरफॉर देयर इज 25% प्रॉफिट इन द बिजनेस, ऐसे करके फाइनली लिख लेना है। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 33 फुल कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, टेक केयर।